हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से। आज हम आपको एक्सेल के कुछ ट्रिक बताने जा रहे हैं। एक्सेल में जैसे ये हमारा डेटा है, हम इस डेटा को कई कई सारी रो एक साथ सेलेक्ट करके दूसरी जगह कॉपी करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। आमतौर पे हम कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं, वो भी एक एक डेटा को। लेकिन अगर हमें जैसे मान लीजिए ये डेटा हमें लेना है, ये सेल लेनी है, हमने कॉपी किया और पेस्ट कर दिया दूसरी जगह, ऐसे आमतौर पे करते हैं। लेकिन आज हमको कुछ नया बताने जा रहे हैं जो कि कई सारे डेटा एक साथ कॉपी करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, क्लिपबोर्ड ऑन कर लेंगे। क्लिपबोर्ड ऑन करने के बाद जो भी रो या जो भी कॉलम आपको लेना हो उसको कॉपी कर लिए। इतना हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी किया। अब दो चार रो छोड़ के ये देखिए, अब हमें ये लेना है तो इसको कॉपी कर लिया। अगला हमें यहाँ से लेना है तो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी करके सेलेक्ट किया, फिर कंट्रोल सी कॉपी। अगर हमें ये लेना है तो ये हमने कॉपी कर लिया। फिर अगला हमें अगर ये लास्ट वाला लेना है फिर से तो ये वाला हमने कॉपी कर लिया। अब करना क्या होगा आपको, जिस भी टैब पे आपको लेना होगा वो, जब मान लीजिए हम एक नई विंडो ओपन करते हैं, न्यू शीट ओपन करते हैं, न्यू शीट हमने ओपन किया। अब यहाँ पे क्या होगा, पेस्ट ऑल लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड में, यहाँ पे पेस्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए सारे डेटा जो भी हमने सेलेक्ट किए थे सारे के सारे आ गए। इस तरह से आप एक साथ कई सारे डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जो चाहें वो। थैंक यू सो मच गाइज़।